देखिए, हम उम्मीद से ही हर जगह जाते हैं, अपने सरकार से भी उम्मीद है और राज्यपाल हमारे प्रदेश के हैं तो उनका भी जिम्मेदारी, वो एक संवैधानिक पद पे हैं, विचार विमर्श किया जा सकता है और कहीं भी विश्वास से ही लोग जाते हैं। अम्बा जी, एक दूसरा सवाल है कि आपके माता पिता के मामले में भी कोर्ट का फैसला है, आज विधायक बंधु तिर्की के मामले में फैसला आया है, 3 वर्ष की सजा हुई है, 3 लाख उनको जुर्माना। देखिए सरासर मेरे माता पिता के साथ अन्याय हुए ये पूरा झारखंड जान रही है, हर किसी मेरे क्षेत्र में मातम सा माहौल बना हुआ है, हर कोई कॉल कर रहा है कि गलत हुआ है, कैसे ये हो गया, तो हर कोई के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, और हम न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, बिल्कुल ये अन्याय बर्दाश्त नहीं है हमको। एक जनप्रतिनिधि का जनता के साथ होके और उनका आवाज़ बनना, उनका आवाज़ उठाना, ये एक परंपरा को ख़त्म करने का ये साजिश किसी के तरफ से भी अगर किया जा रहा है तो ये चीज़ बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के हित में नहीं है। और मैं न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अधिकारी उस समय के जो तत्कालीन थे वो अपने आप को बचाने के लिए, आप सोचिए कि अधिकारी केस करते हैं कि उनको चोट लगी, पत्थर से पथरा हुआ, और जो पब्लिक केस करते हैं कि हमारे साइड जो 4 लोग मरे उनका क्या। मेरा यही क्वेश्चन है कि हमारे साइड जो 4 किसान मरे उनके साथ न्याय नहीं होगा, और पथराव हुआ तो बयान में भी कहीं भी केस में ये बयान किसी ने डायरेक्टली नहीं बोला है कि निर्मला देवी ने पत्थर से मारा, सिर्फ है कि पत्थर मारा, वहाँ पे निर्मला देवी बैठी हुई थी, फिर अधिकारी ने तो कई बना बना के भी बयान दिए, लेकिन किसी का भी बयान इस तरह से डायरेक्ट नहीं है कि निर्मला देवी ने, इनफैक्ट आईयू ने साफ साफ बोला है कि योगेंद्र साहु घटनास्थल में नहीं थे, सारे अधिकारी जो थे वो लोग भी बोले कि योगेंद्र साहु नहीं थे, सिर्फ निर्मला देवी थी। कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट को गुमराह किया गया और कोर्ट गुमराह हुआ। बिल्कुल कोर्ट गुमराह हुई है, इसलिए तो हम लोग हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। और बंधु तिर्की के मामले में क्या कहें, उनकी सदस्यता भी जा सकती है क्योंकि 3 साल की सजा हो गई। देखिए हम उस केस के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन तो जब तक हम उस केस के बारे में हम कुछ नहीं मालूम है तब तक हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो हमारा ये जो चिरुडी गोलीकांड है इस घटना के बारे में हर कोई जानते हैं, आप जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है, बड़े बड़े नेता उस स्थल पे पहुंचे थे, हमारे जो अभी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, वो भी गए थे उस घटना में, आलमगीर आलम सर भी गए थे, सुबोध कांत सहाय भी गए थे, धनबाद से उस समय नीरज सिंह थे वो भी गए थे, मतलब कई नेता गए थे, पूरे नेताओं का तांता लगा हुआ था, लेकिन आज जब उनके हक और अधिकार के लिए जब बात करने की बात है, जब उन वहाँ पे जो सैकड़ों लोगों के साथ जो अन्याय आज तक लोग झेल रहे हैं, जिनके बच्चे मर गए उनको न्याय नहीं मिला, तो उनका आवाज़ कौन उठाएगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा। अधिकारी तो अपने आप को क्लीन चिट दे दिए, तो क्या ये मामला यहीं पे रफा दफा तो नहीं हो सकता ना, हम तो इस बात को रखेंगे और इसका जांच का मांग करते रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।